आपत्ति नहीं गवारा। नारद जी ने एक बार विष्णु भगवान को श्राप दे दिया था। बोले श्राप क्यों दे दिया था? देखिए महाराज, एक बार नारद जी ने भगवान की घनघोर तपस्या की। इनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव गया, लेकिन कामदेव प्रभु की तपस्या भंग नहीं कर सका। वो नारद जी की तपस्या भंग नहीं कर सका और कामदेव हार मान करके लौट गए। और नारद जी की बाद में समाधि खुली तो नारद जी को मालूम पड़ी कि कामदेव मेरी समाधि तोड़ना आओ तो, लेकिन तपस्या भंग नहीं कर सको, खुद ही असफल होके लौट गया। तो नारद जी को है गयो घमंड, मैं तो इतना बड़ो तपस्वी है गयो जो मैंने कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली है। अब भैया नारद धसक के मारे वहां से चले ब्रह्मा के पास आए। ब्रह्मा ने कही, आइए नारद, आइए बैठिए, आइए नारद। नारद जी बोले, ए ब्रह्मा जी, बोलने की अकल न हुआ करे तो बात मत किया करो। बोले मतलब? अरे क्या समझ रहे हैं आप, हमें सभ्यता से नाम लिया करो, हमसे कहो महान तपस्वी देव ऋषि नारद। महान तपस्वी देव ऋषि नारद? बोले हाँ। अरे तुम्हें नहीं मालूम है मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए हमसे कहिए महान तपस्वी देव ऋषि नारद। ब्रह्मा जी असल लगे, ब्रह्मा जी समझ गए कि इनके अंदर घमंड आ गया है। ब्रह्मा जी हंसके बोले, नारद जी एक बात कहें? बोले हाँ। जवाब तुमने हमसे कही सो कही, लेकिन जवाब जाए के तुम शंकर भगवान से मत गई हो। अब नारद जी ठसक में बोले, क्यों नहीं कहेंगे? अरे भाई क्यों नहीं कहेंगे, कोई छोटा मोटा काम किया है? मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त की है, अभी जा रहा हूँ, अभी कहूंगा, तुरंत कहूंगा। क्यों नहीं कहूँ? अभी कहूंगा। ब्रह्मा जी हंस के बोले, ना मानो तो जाओ, कहो जाए कि जाओ। अब नारद जी ठसक में चले भैया। नारद जी पहुंचे भोले बाबा के पास। भोले बाबा ने देखो तो भोले बाबा बोले, आइए नारद, बैठिए, बड़े दिनों में आए हो। नारद जी को बड़ी गुस्सा लगी, जाके पास जाओ, सब ऐसी बात कर रहे हैं। नारद जी बोले, भोलेनाथ, बोलने की तहजीब न हुआ करे तो हमसे बात मत किया करो। बोले मतलब? बोले मतलब ये, हमसे कहिए महान तपस्वी देव ऋषि नारद। क्या? बोले हाँ। आपको नहीं मालूम है मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है, मैं कोई छोटा मोटा तपस्वी नहीं है, मुझसे कहिए बाल ब्रह्मचारी महान तपस्वी देव ऋषि नारद। भोले बाबा हंसन लगे। भोले बाबा बोले, वाजीवा नारद जी। बोले हाँ, एक बात कहूँ? बोले हाँ। जवात तुमने हमसे कई सुख कई, लेकिन जवात जाए के विष्णु भगवान से मत कही हो। नारद जी ठसक में बोले, चोनी कांगे भाई, अभी जाएंगे, अभी कांगे, कहेंगे क्यों नहीं? मैंने कोई छोटा मोटा काम तो किया नहीं है, जा रहा हूँ, अभी कहूंगा जाकर। अब नारद जी ठसक में चले विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान ने भी वही बात कही, आइए नारद, बैठिए, बड़े दिनों में दर्शन दे रहे हो। नारद जी कहने लगे, विष्णु भगवान, थोड़ी सभ्यता से बात किया करो। विष्णु भगवान हंसने लगे, क्या हुआ, कोई गलती हो गई क्या? गलती नहीं हो गई, ये तो देखो सही किससे कैसे बात कर रहे हैं। हमसे कहो बाल ब्रह्मचारी महान तपस्वी देव ऋषि नारद। क्या? बोले हाँ, क्योंकि आपको नहीं मालूम है मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। नारद जी समझ गए, विष्णु भगवान समझ गए कि नारद जी के अंदर घमंड आएगा। विष्णु भगवान बोले, ठीक है। विष्णु भगवान ने नारद का घमंड दूर करने के लिए क्या किया? अपनी लीला रची, अपनी माया से भगवान ने एक नगर बसाया। उस नगरी के राजा किए हैं जिनका नाम है सील निधि, और उनके घर में एक जवान लड़की दे दी है।
जिसका नाम है विश्वमोहिनी। राजा शीलनिधि ने प्लान बनाया कि मैं अपनी बेटी विश्वमोहिनी का स्वयंवर करूंगा। उससे पहले ही नारद जी शीलनिधि के घर पर पहुंच गए। शीलनिधि ने बड़ा सम्मान किया। शीलनिधि कहने लगे, प्रभु आप अच्छे अवसर पर आ गए, जो आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन भी धन्य हो गया और मेरी एक जवान लड़की है उसका मैं स्वयंवर करना चाह रहा हूँ। आप मेरी बेटी की हस्तरेखा को देखकर के प्रभु ये बताइए कि बेटी की हस्तरेखा क्या कह रही है, इसके जीवन के बारे में, भविष्य के बारे में बताइए। नारद जी बोले, बुलाइए आप अपनी बेटी। शीलनिधि ने आवाज लगाई, बेटी विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी अंदर से निकल के आई। विश्वमोहिनी मानो कि सारे विश्व की सुंदरता उसी पर आ गई, सारे विश्व को मोहित करने वाली। और जैसे ही विश्व मोहिनी सामने आई और नारद जी ने हाथ पकड़ो और हाथ पकड़ के जैसे ही हस्तरेखा देखी तो नारद जी सोचने लगे, वाह, जो भी इस लड़की से शादी करेगा वो अजर उमर हो जाएगा। नारद जी विचार कर लगे, जो बावापन में कछु ना रखो, शादी करूंगा तो इसी विश्व मोहिनी से करूंगा। कितनी सुंदर है देखने में, विचार करने लगी नारद जी। शीलनिधि महाराज खड़े देख रहे हैं। नारद जी हाथ पकड़े के पकड़े ही रह गए, हस्तरेखा की तरफ नजर करके करते ही रह गए। नारद जी का वो हाल हो गया, लिखा है, छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, दिल में बातें छुपी की छुपी है। कहीं ना सकी अपने दिल की व्यथा, कछु कहीं ना सकी अपने मन की व्यथा।